अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। भाई जैसे कि आप सब जानते हैं, गर्मियाँ आ नहीं रही, गर्मियाँ आ चुकी हैं और भाई हम सब की बजा चुकी हैं। बहुत टाइड मौसम हो रहा है, ख़तरनाक गर्मियों वाला। भाई तो आप सबसे यही गुजारिश है और आप सबसे यही एक मशवरा है आप सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए भाई, और कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए। और भाई अपने आप को जो है हाइड्रेट रखिए, क्योंकि यार इस मौसम में डिहाइड्रेशन वाले मसले भी काफ़ी होते हैं। तो भाई पानी खूब पीजिए और भाई अपने आप को हाइड्रेट रखें और भाई इस गर्मी की लहर से बचें। तो भाई आज जो हम जो है ना प्रोडक्ट लाएँ वो वीवो की प्रोडक्ट है, ठीक है? और वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट वीवो की अब तक की साबित हुई है मेरे हिसाब से। वीवो के और बहुत अच्छे मॉडल्स आ चुके हैं, बट ये मेरे ख्याल से वीवो की जो ये सीरीज है ना, इसमें सबसे बेहतरीन जो है, इन्होंने अपग्रेडेड एक हिसाब से मॉडल निकाला है। भाई मैं आपको उस मॉडल के बारे में बताऊं, उससे पहले आप मिलिए वन एंड ओनली हसीब भाई से। सलामकुम, कैसे? ठीक है, मजे में। तो भाई आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है वीवो की V30। भाई वीवो की V30, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है इसकी दो पिछली जो है कवर की है वीडियोस वीवो की वी सीरीज की, जिसमें से V29e थी एक और एक थी V29। तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। भाई ये जो फ़ोन है, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी खासियत क्या है भाई, तो ये वी सीरीज की जो इनकी आई है V29e में भी और V29 में भी, इन्होंने ऑरा लाइट जो है इसके अंदर दी हुई थी, और इसके अंदर इन्होंने ऑरा लाइट का गेम ही अलग कर दिया। मतलब इन्होंने गेम चेंज कर दिया भाई, डिज़ाइन में भी और जो है ना ऑरा लाइट के अंदर भी। और मेरे हिसाब से अभी तक का बहुत अच्छा डिज़ाइन है ये वीवो का। अगर हम बात करें अगर डिज़ाइन की, मैं आपको ऑरा लाइट के बारे में डिटेल में बताता हूँ, बट अगर हम इसकी डिज़ाइन पे आते हैं तो मैं कहूँगा नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन। भाई बैक साइड इन्होंने आपको ग्लिटर इफेक्ट दे दिया है, बहुत अच्छा जो है कैमरा प्लेट लगा हुआ है, और एक मेन जो है इसकी ऑरा लाइट आ जाती है जो कि बेसिकली रिंग लाइट कहलाती है, बट इन्होंने जो है रिंग लाइट को जो है ना चेंज करके इसको स्क्वायर लाइट में जो है इसका शेप दे दिया है। जैसे कि आप कैमरा की प्लेट देखेंगे ना, इस तरीके की आपको जो है ऑरा लाइट जो है ना नजर आएगी स्क्वायर शेप में। बहुत अच्छा जो है इफेक्ट देती है भाई ऑरा लाइट जो है, बेसिकली एटमोसफियर को देख के ना अपनी जो है थीम चेंज करती है। मतलब इसमें आप जो है वार्म एंड कूल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, और अगर आप इसको ऑटो पे रख देते हैं भाई, तो भाई ये जो है एटमोसफियर जो भी चल रहा है उस हिसाब से आपकी लाइट पिक करेगी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाइट लाइटिंग हुई हुई, तो इसने डायरेक्टली अपना जो है व्हाइट कलर ऑरा का ऑन कर दिया। अगर मैं यहाँ वार्म लाइटिंग पे बना रहा होता कोई वीडियो वगैरह, तो यहाँ पर वार्म लाइट ऑटोमेटिकली जो है शो हो जाती है। आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं, वरना ऑटोमेटिक मोड पे ये खुद भी एडजस्ट करता है। अगर बात करें इसके बैक की, तो भाई बैक आपको ग्लिटर इफेक्ट में मिल जाता है भाई, और बैक आपको इसका ग्लास मिल जाता है भाई, काफ़ी बेहतरीन। साइड्स की बात करें तो साइड्स आपको प्लास्टिक मिल जाती है, जो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि अगर आपको बैक ग्लास मिल रहा है और इतनी अच्छी डिज़ाइन मिल रही है, तो मेरे ख्याल से एलुमिनियम इसका जो है फ्रेम होना चाहिए था। फ्रंट की बात करें मेरे भाई, तो फ्रंट आपको जो है ग्लास मिल जाता है ऑब्वियस, बट आपको 3D कर्व एच के अंदर इसका फ्रंट ग्लास मिल जाता है, जो कि इसकी खूबसूरती को भाई चार चांद लगा देता है। जैसे कि इसकी डिज़ाइन, इसकी ऑरा लाइट और इसका जो 3D कर्व है ना, इसने धूम मचा दी। मैं बोलता हूँ बेहतरीन आतंक VIP, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ भाई। अगर बात करें मजीद इनके कैमराज की, तो भाई मुझे लगता है वीवो वालों ने मेरी सुन ली है भाई। मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से एक दुहाई देता आ रहा हूँ मैं हर वीडियोस के अंदर, वाइड एंगल कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का डिफरेंस बहुत होता है, और कुछ ब्रांड ख़त्म कर चुके हैं। तो मैं काफ़ी जो है वीडियोस में ऐसा कहता आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है शायद वीवो वालों ने इस बार सुन ली है भाई। तो वीवो के अंदर भाई इस बार आपको डुअल कैमरा बैक पे देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो कि OIS के साथ मिलता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन कहलाता है। और भाई अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें भाई, तो वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है, तो बेहतरीन बात हो गई भाई। मैं तो कह रहा था कि अल्ट्रा वाइड इतना कम करे तो थोड़ा थोड़ा करीब लाए, बट इन्होंने तो भाई सेम सेम कर दिया, सेम सेम बट डिफरेंट वाला सीन हो गया भाई। सेम वाला सीन कर दिया, डुअल कैमरा दे दिया इसके अंदर, जिसमें से वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल दोनों 50-50 मेगापिक्सल का आपको मिल जाते हैं। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें मेरे भाई, तो फ्रंट भी इन्होंने 50 मेगापिक्सल के दे दिया, मतलब कैमरे के अंदर ट्रायो हो गया, ट्रायो 50 हो गया भाई। तो मेरे हिसाब से ये फोन जो है कैमरे के हिसाब से ट्रायो 50 है, क्योंकि फ्रंट भी आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, बैक भी आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। अच्छा, फ्रंट की खासियत ये कि भाई अगर आप ग्रुप सेल्फी ले रहे होंगे तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी वाइड एंगल जो आप इस पर कैप्चर कर सकते हो, तो पिक्चर आपको काफ़ी अच्छी कैप्चरिंग के साथ मिल जाती है। अगर हम बात करें भाई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की मेरे भाई, तो इसके अंदर भाई 4K का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको आप 30 FPS
FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई, और अगर आपने 1080 पे आप 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैक पे भी और फ्रंट पे भी इन्होंने सेम दे दिया, बोला भाई इंजॉय करो। तो मुझे जहां तक है ना, ये फोन जो है ना, इन्होंने कैमरा के ऊपर काफी फोकस किया है, मुझे पहले ये लग रहा था, बट इस सीरीज के अंदर इन्होंने चिपसेट के ऊपर भी काम किया, जीपीयू के ऊपर भी काम किया, कैमरा के ऊपर भी काम किया, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और डिजाइन के ऊपर भी काम किया। तो भाई फोन जो है ना, इस बार काफी भरम से आया मार्केट के अंदर भाई, क्योंकि भाई इसने धूम मचाई है जो ये वीवो वाले V30 लेके आए भाई। अगर हम बात करें इसकी सिक्योरिटी फीचर्स की, तो मेरे भाई इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर दे दिया, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है इसके अंदर। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि फ्रंट पे आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाती है। अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको डुअल स्पीकर नहीं मिलता, सिंगल स्पीकर मिल जाता है। यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है आपको कि भाई इतना अच्छा फोन डिजाइन कर रहे हो और इतनी सारी अच्छी चीजें इस फोन के अंदर आपने जो है डाली हुई है, तो एटलीस्ट आपने इसको डुअल स्पीकर दे देना चाहिए था, तो स्पीकर्स में भी बहुत आला हो जाना था। अभी आपको जो है सिंगल स्पीकर मिल जाता है इसके अंदर। भाई अगर हम इसकी बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh की इसके अंदर बैटरी मिल जाती है। और भाई मैं डिजाइन और वेट की बात करूं, तो डिजाइन तो इसका स्लिमेस्ट है भाई, सबसे स्लिम डिजाइन है वीवो का ये V30 का। और भाई अगर मैं बात करूं चार्जिंग की, भाई आपने अगर इसको चार्ज करना है, तो भाई एज पर वीवो के भाई 48 मिनट्स के अंदर आपको जो है ना 100% चार्ज कर देगा, तो फास्टेस्ट आपको जो है चार्जिंग में ये फोन मिल जाता है। और भाई अगर मैं बात करूं इसकी जो है ना वाटर एंड जो है डस्ट रेजिस्टेंस की, तो आपको IP54 की इसके अंदर रेटिंग मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है भाई। अगर मैं मजीद बात करूं कि इस फोन के साथ साथ आपको मिलता क्या है, तो भाई इस फोन के साथ एक अदद आपको ये फोन मिल जाता है, एक अदद आपको वीवो V30 का बॉक्स मिल जाता है, एक अदद आपको जेली कवर दे देते हैं, एक अदद आपको जो है वीवो का फ्लैश चार्ज का 80 वॉट का चार्जर दे देते हैं भाई, एक आपको केबल मिल जाती टाइप सी वाली, और एक भाई आपको सिम इजेक्शन टूल और कुछ बुक गाइड इसके अंदर मिल जाती है। और भाई जैसे कि मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इसी फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ताकि भाई आपको उसके कैमरे का माइक का स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। और हम ये भी टेस्ट करते हैं भाई कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है तो भाई फोन हीट तो नहीं कर रहा, गेमिंग में फोन हीट तो नहीं कर रहा, तो भाई इसके अंदर इसका भी एक जो है इन्होंने हल दिया हुआ है कि फोन हीट करेगा। तो इसके अंदर आपको अल्ट्रा लार्ज कूलिंग सिस्टम भी दे दिया है, जो कि आपके फोन को ज्यादा हीट नहीं होने देगा और भाई आपके टेम्परेचर को कूल डाउन रखने की कोशिश करेगा। भाई एक और बात आपको ये बताऊं कि भाई जो इसका फ्रंट ग्लास है ना, उसमें आपको स्क्वाड अल्फा का ग्लास मिल जाता है, तो प्रोटेक्शन में भी काफी अच्छा होने वाला है। तो बाकी इसकी जो मजीद जो है ना डिटेल्स, जैसे कि CPU, GPU, RAM, ROM वगैरह हो गया, और मेन किस प्राइस रेंज में ये फोन मिल जाता है, उसके बारे में हम हसीफ भाई से जानेंगे, और हसीफ भाई को ये कहेंगे हसीफ भाई प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, तो इसी पर प्लीज हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जैसा कि इस मोबाइल के अगर हम डिस्प्ले पे जाते हैं, तो भाई 6.78 का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 1 बिलियन कलर आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो भाई 1260x2800 पिक्सल की रेजोल्यूशन आपको दे देता है। अगर हम इसकी PPI की बात करते हैं, तो 452 PPI आपको दे देता है। अगर हम इसकी बात करें हर्ट्ज की, तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देता है। अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करें, तो 2800 nits की पीक ब्राइटनेस आपको दे देता है। अगर हम चिपसेट की बात करते हैं, तो Qualcomm का Snapdragon 7th Generation 3 4nm की स्पीड प्रोवाइड करता है। 8 Cortex मिल जाते हैं। पहला जो कॉर्टेक्स होता है, जिसमें आपको मिल जाता है 2.63 का, जिसमें आपको चिप मिलती है A715 की। जो इसमें दूसरी की बात करते हैं, तो 3 मिलती है, जिसमें 2.4 की गार्ड की, जिसमें A715 सेम चिप मिलती है। अगर हम तीसरी की बात करते हैं, तो भाई 4 1.8 की गार्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको A510 मिल जाता है। अगर हम GPU की बात करें, तो भाई इसका जो GPU डला बड़ा आउट क्लास का डला हुआ है, Adreno का 720 सबसे आउट क्लास बड़ा ग्राफिक कार्ड वाला उसके अंदर GPU लगा हुआ है। अगर हम गेमिंग की बात करें, तो गेमिंग में बड़ी से बड़ी गेमें खेल सकते हैं, जिसमें PUBG हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। अगर हम बात करें इसके फास्ट एंड फ्यूरियस की, तो भाई इसके अंदर ये भी प्ले कर सकते हैं, अपनी मर्जी की गेमें आप प्ले कर सकते हैं। अब मैंने Vivo में फर्स्ट टाइम देखा कि भाई चिप जो डली हुई है स्नैपड्रैगन की, मगर हम दूसरे ब्रांड में देखते हैं, जिसमें OnePlus में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन आता है, जिसमें OnePlus 12 में मैंने देखा था, जिसमें आपको ऑक्सीजन की आपको इसमें सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था। Vivo जो है ना फर्स्ट टाइम चिपसेट इसके अंदर इंक्लूड किया है स्नैपड्रैगन का, तो भाई मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा इस मोबाइल के साथ निकलेगा। बाकी अगर हम बात करें इसके भाई N2 बेंचमार्क की, तो 830,000 का स्कोर इसने प्रोवाइड किया, तो भाई सबसे बड़ा स्कोर है Vivo की सीरीज में। वी की जो सीरीज में V29 की हमने लास्ट रिव्यू जिसमें किया था, इसमें हमने चिपसेट देखा था, मीडिया टेक का दिया हुआ था, ये फर्स्ट जो मोबाइल है जिस V30 का, जिसमें स्नैपड्रैगन इन्होंने दिया हुआ है जनरेशन 3 का, जिसमें 4nm की स्पीड प्रोवाइड करता है, तो भाई सबसे अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस दिया हुआ है इस मोबाइल के अंदर। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, तो भाई 1,25,000 से 1,30,000 के लगभग में ये मोबाइल मिल जाता है। अगर हम प्राइस की बात करें, तो भाई प्राइस के हिसाब से तो इतना बुरा नहीं है,
इतना महंगा नहीं है, मगर ये कि वीवो की डिवाइस इतनी आला किस्म की होती है हर लिहाज से। जैसा कि हमने वीवो के हमने जैसा रिव्यू किया V30 का, तो हम उसी जो मोबाइल की तारीफ करते हैं जो हमें मोबाइल अच्छा लगता है और उस मोबाइल काबिल तारीफ होता है, जब भी हम आपको बता रहे जो आपके लिए अच्छा हो मोबाइल हर लिहाज से, फीचर्स वाइज भी हो, प्राइसिंग की वाइज से भी हो। तो वही कहना चाहूँगा अगर आप लेना चाहते हैं तो www.clicktomain.com पे जाएं और हमें 1000 सब्सक्राइबर तक टारगेट है वहाँ तक पहुँचाएं, व्यूज करें, सब्सक्राइब करें भाई, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। बाकी आगे भाई इस मोबाइल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई दोस्तों जैसे कि आसिफ भाई ने आपको जो है इसका CPU GPU वगैरह बताया, मैं आपको इसका रैम रोम गाइड करता चलूँ कि भाई इसको ये जो है ना हमारे पास जो मॉडल जिसकी हम रिव्यू करें वो 12GB 256GB में आता है भाई। इसकी जो रैम है ना वो आपको एक्सटेंड होकर 12GB और मिल जाती है, मतलब 24GB तक आपको उसकी रैम मिल जाती है 12+12 और 256GB की इसकी स्टोरेज मिल जाती है। और भाई एक और बात यह है कि भाई जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है हम वही प्रोवाइड करते हैं। अब ये फ़ोन जो है ना उसमें वाकई में तारीफ के काबिल है, इस प्राइस रेंज में भी अच्छा है, चीज़ें भी इसकी अच्छी हैं, जो जो हमें सही लगा वो हमने आपको बताया भी। कैमरा भी इसका बेहतरीन है, अच्छा है भाई, आप इसको जो है पोर्ट्रेट वगैरह इस पर अच्छा ले सकते हैं, वीडियोज़ अच्छी शूट कर सकते हैं। और भाई इसका CPU GPU भी जैसा अच्छा है, आप गेमिंग्स वगैरह भी इसमें अच्छी और स्मूथली तरीके से खेल सकते हैं, बैटरी आपको अच्छी मिल जाती है और प्राइस में भी अच्छा मिल जाता है ये आपको फ़ोन। तो भाई ये कहना यही चाहूँगा अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.clicktobrands.com, वहाँ पर आकर इसको बाय कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आए, हमारी वेबसाइट विजिट करें भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03211213574। और भाई अगर आपकी जो है कैश की जो है गुंजाइश नहीं है, मतलब थोड़ा हालात टाइट चल रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है भाई, इंस्टॉलमेंट्स में भी आपको जो है चीज़ें हम करवा के दे सकते हैं। तो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपकी कोई भी जो है क्यूरी होगी उसका रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह। और भाई कहूँगा ये कि हमें सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हमारे को जो है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचेंगे भाई तो आपके गिफ्ट हमने अनाउंस करने हैं इंशाल्लाह। कोई भी लकी जो है बंदा होगा 3, 4, 5, 6 जितने हम चूज कर सकें, जो हमारे चैनल पे एक्टिव होंगे, कमेंट्स वगैरह कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और दूसरों को सब्सक्राइब का बोल रहे होंगे, तो इंशाल्लाह उन तक गिफ्ट पहुँचेंगे। और तो इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुँचाएं। और भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नई प्रोडक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। फी अमानल्लाह।